नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल और NCA कंप्यूटर एजुकेशन में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस चैनल में जो है कंप्यूटर सेंटर रिलेटेड कई सारे वीडियो पहले भी लाया हूं और आज मैं फिर से आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सा वीडियो लेके आया हूं। तो आशा करता हूं ये वीडियो भी आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। और अगर दोस्तों आप चैनल पर हमारे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि ऑलवेज मैं जो है सेंटर रिगार्डिंग अच्छे अच्छे वीडियोस आपको देता हूँ जो कि शायद अभी तक आप लोगों को कहीं ना मिले। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात है कि जब अब इंस्टीट्यूट आपने ओपन कर लिया, ठीक है, आपका जितने भी मैंने इंक्वायरीज टेबल पे जो वीडियोस बनाया है वो भी आपने देख लिया, वो भी आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, आपने मार्केटिंग भी कर लिया और आपके पास अच्छे खासे स्टूडेंट आ गए, तो उसके बाद स्टूडेंट को रखना सबसे बड़ी चैलेंजेबल चीज़ें होती है। क्योंकि ये मैं 90% में केसेस में बता रहा हूँ कि आपके पास स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है, मैट्रिक जब आपके मैट्रिक या इंटर के एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं, पर उसके बाद जो बच्चे को स्टे कराना यानी कि उसको पूरे कंप्लीट कोर्स तक ले जाना, ये आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ने का रीज़न होता है कि आपके सिलेबस को आपने सही से डिज़ाइन नहीं किया। ये माने ना माने सर दोस्तों, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके पास नॉलेज की कमी है, आप BCA MCA या फिर अच्छे जो है जानकार हैं, पर बच्चों को क्या नीड है अभी की लेटेस्ट वर्जन की, जो सिलेबस होती किस प्रकार से डिज़ाइन करनी है और आप उनको किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए दोस्तों मैं बात करता हूँ ऑफिस का, MS ऑफिस के अंदर MS Word, एक्सेल, पावरपॉइंट आते हैं, तो उनको एक्सेल में क्या क्या चीज़ें बतानी है कि ताकि वो जो है आराम से कोई भी जगह में अगर उनको इंटरव्यू के लिए कोई फेस करता है या कहीं पे वो जॉब ऑफिशियल जॉब करता है तो वो आराम से कर पाए। तो ऐसी कौन सी सिलेबस आपको करानी होगी, इन सारे चीज़ों का मैं जो है आज आपके वीडियो में डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको कोई आइडिया समझ में नहीं आ रही तो हमने बेसिकली जो है एक अच्छे से सिलेबस डिजाइन कर रखा है, ठीक है, आपको पूरे कंप्लीट DCA कोर्स यानी कि 6 मंथ के कोर्स के अंदर जो भी हमारे सिलेबस आती है, जैसे कि स्टार्टिंग हमारा नोटपैड से चलता है, नोटपैड, वर्डपैड, MS पेंट, MS ऑफिस के अंदर MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ठीक है, देन में इंटरनेट की क्लासेस, कुछ थियोरेटिकल नोट्स, उन सारे चीज़ों का मैंने एक असाइनमेंट बना के रखा हुआ है, यानी कि आप कंप्लीट सिलेबस, अगर मैं आपको सिलेबस का डिज़ाइन अभी दिखाता हूँ, अगर आपको सिलेबस पसंद आती है तो दोस्तों आप मुझसे कांटेक्ट करके तो सिलेबस को जो है आप हमसे ले सकते हैं ताकि आपके सेंटर को मैं आगे बढ़ा सकूँ। और मैं ज़रूरी नहीं कहता हूँ कि मेरा ही सिलेबस आप फॉलो करिए, आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करिए, ठीक है, पर मैंने जो डिज़ाइन बना रखा है उसमें बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं और अच्छे खासे स्टूडेंट को जो है वहाँ से कुछ ना कुछ नॉलेज हो रहा है, जिससे वो जो लेटेस्ट ज़माने के जो सिलेबस है, हाँ चलो आप जो है 10 साल से सेंटर चला रहे हैं, वो डजंट मैटर आप कितने साल से चला रहे हैं, पर अभी के लेटेस्ट पैटर्न क्या है, वर्ल्ड के अंदर आप क्या करेंगे। जनरली लोग क्या होता है, 2-4 यहाँ वहाँ से जो है वीडियोज़ वगैरह देखते हैं और वर्ल्ड को चालू करते हैं, पर मैं आपको बताता हूँ कि हमने जो सिलेबस डिज़ाइन कर रखा है, इस सिलेबस में आपको कहीं भी पूरे YouTube चैनल में आप अगर सर्च करते हैं तो जनरली नहीं मिलेंगे, या कुछ वीडियोस हो सकता है कि उस टाइप के वीडियो मिल जाए। तो हमने सिलेबस को डिज़ाइन किया है लेटेस्ट पैटर्न में। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि आप हमसे सिलेबस मंगाने चले, या फिर कोई भी स्टूडेंट्स अगर जिनके पास घर में कंप्यूटर है और वो अगर चलाना चाहता है कि पूरे सिलेबस को किस प्रकार से होता है अगर घर में सीखना चाहते हैं, तो हमसे कॉन्टेक्ट करके जो है आप थ्रू ऑनलाइन या ऑफलाइन आप मुझसे वो बुक मंगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बुक का कुछ सैंपल दिखाता हूँ किस प्रकार। तो सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं कि आपका जो है सिलेबस का डिज़ाइन में मैं खुद इनके फाउंडर हूँ, जैसा कि आप जानते हैं NCA कंप्यूटर एजुकेशन का, और मैंने जो है शुरू से कुछ थ्योरेटिकल नोट्स वगैरह ये मैंने जो है आपका पूरा कंप्लीट थ्योरेटिकल नोट्स के साथ साथ जो प्रैक्टिकल नोट्स हैं हमने तैयार कर रखा है, ठीक है, इसमें सारे इंट्रोडक्शन से लेकर के पेंटिंग से लेकर दोस्तों आपको एवरीथिंग जो है ये मिल जाएंगे। मैं आपको पूरा सिलेबस तो अभी नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि ये हमारी कुछ सीक्रेट चीज़ें हैं। तो अगर आपको दोस्तों इस तरह के पूरे कंप्लीट सिलेबस को आप लेना चाहते हैं, ये देख सकते हैं कंप्लीट बुक आता है मेरे पास, ठीक है। अगर इस बुक की आप सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी मंगाना चाहते हैं पूरे, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन या आप व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के कंप्लीट बुक की एक आपको कॉपी चाहिए, सैंपल कॉपी, तो इसके लिए भी आपको
जो है आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये सारे जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा इसमें आपको कुछ मिनिमम कॉस्ट भी पे करनी होगी, चाहे आप लोगों को अच्छा लगे या ना लगे, पर आप समझ सकते हैं कि हमने जो है इस सिलेबस को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत किया है, ठीक है। और इन सिलेबस को जो है कहीं ना कहीं हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसके लिए बस अब छोटा सा आपको एक पे करना होगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपका बुक है जो उसका आपके अंदर में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, और आपके पूरे कंप्लीट है, नॉट पेड, पेंटिंग, सारे चीज़ों का आपका पूरा ओवरऑल सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। सर दोस्तों जो है इस बुक के साथ मैंने जो फ़ोटोशॉप का भी बहुत सारे डिज़ाइन कर रखा है, ठीक है, फ़ोटोशॉप के अंदर भी मैंने बहुत अच्छी बुक बना के रखा है जिसमें आपको सारे टूल्स का यूजिंग में बहुत अच्छे तरीके से सिखाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के भी जो है आपको उस बुक के साथ ये भी आपको प्रोवाइड कर लेंगे। इस तरह से दोस्तों आपको एक कॉम्बो पैकेज मिलेगा जिसमें आपको इस बुक के अंदर में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के सारे सिलेबस, पूरा कम्प्लीट सिलेबस मिल जाएंगे और आपको इसमें फ़ोटोशॉप के पूरे कम्प्लीट सिलेबस मिल जाएंगे। साथ ही इस तरह के जो भी नोट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, है ना, उन सारे नोट्स को आप जो है एक जो है फाइल बना के, इस तरह से फाइल बना के आप रख सकते हैं जिनको आप बच्चों के बीच में कवर अप कर सकते हैं। तो यही मैं बात करता हूँ कि इन सिलेबस को अगर आप कवर अप करते हैं तो 100% बच्चे बहुत इंटरेस्ट से जो है इस कोर्स को करेंगे। और आपको जो है जो हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि घर बैठे DCA ADCA सीखना चाहते हैं वो भी इस बुक को मंगा सकते हैं थ्रू जो है सॉफ्ट कॉपी के रूप में। आप उसको प्रिंट आउट करवाइए, कलर प्रिंटर, प्रिंटर अगर आपके पास खुद की प्रिंटर है तो आप प्रिंट करवाइए, देन आप जो है उसको इजीली फाइल या फिर आप स्पाइरल बाइंडिंग करवा के आप सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अगर दोस्तों आप लोगों को ये बुक की जो है सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी आपको मंगानी होगी तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें थ्रू व्हाट्सएप पर, आप मुझे हाईलाइट के भेजें, मैं आपको उसकी प्रोसीड्यूर बताऊँगा। उसके लिए बहुत मिनिमम चार्ज आपको पे करनी पड़ेगी, बहुत ही मिनिमम चार्ज, जो कि मैं आपको YouTube पे तो नहीं बता सकता। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको वह चीज़ क्लियर करूँगा। अब दोस्तों आशा करता हूँ ये जो सिलेबस आपको बहुत पसंद आएंगे, ठीक है। और बस आज के लिए छोटा सा वीडियो था, इतना ही। फिर मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ आपके लिए अच्छा सा, तब तक के लिए बने रहिए।